नमस्कार दोस्तों, स्पेस सैटेलाइट इस सेक्टर्स को देखकर यह लगता है कि नेपाल इस सेक्टर में कुछ कर ही नहीं रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं दोस्तों। नेपाल स्पेस जगत में भले ही धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, लेकिन नेपाल बढ़ जरूर रहा है, क्योंकि अब नेपाल एक ऐसी सैटेलाइट लॉन्च कराने जा रहा है जो कि पूरी तरीके से नेपाल में ही बनी है। जी हाँ, पूरी तरीके से नेपाल में ही बनी नेपाल की पहली पीको सैटेलाइट लॉन्च करवाने जा रहा है, जिसका नाम है नेपाली PQ-1, साथ ही इसका नाम है SANOSAT-1। और ये सैटेलाइट काफी छोटी सैटेलाइट है जो कि पूरी तरीके से नेपाल में ही डेवलप की गई है, यानी कि A to Z ये नेपाल में ही बनी है, जो कि एक गर्व की बात है और अच्छी बात भी है। इससे पता चलता है कि नेपाल स्पेस सेक्टर की टेक्नोलॉजी में धीरे ही और छोटे कदम से आगे बढ़ रहा है, लेकिन बढ़ जरूर रहा है दोस्तों। साथ ही मैं आपको बता दूं कि ये लॉन्च जनवरी के इसी महीने में होने वाली है, यानी कि जनवरी 2022 में ही। साथ ही इस सैटेलाइट को डेवलप किया नेपाल के ओरियन स्पेस ने, जिसने और छोटे कोलैबोरेशन के साथ मिलकर इस सैटेलाइट का डेवलपमेंट किया है। आज टेक्नोलॉजी छोटी होती जा रही है, तो ये छोटी सैटेलाइट्स भी बहुत ज्यादा कारगर हैं। और मैंने बताया भी था अपनी पिछली वीडियोस में, जिसका लिंक ऊपर आई बटन में, कि क्यों छोटी सैटेलाइट बड़ी सैटेलाइट से भी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं। तो अगर आपने उस वीडियो को भी नहीं देखा तो इस वीडियो के बाद उसको भी जरूर देख लीजिएगा दोस्तों। ये सैटेलाइट जो कि पूरी तरीके से नेपाल में डिजाइन की गई है, नेपाल में बनाई गई है A to Z, इसको पीको सैटेलाइट कहा जाता है। और दोस्तों ये पीको सैटेलाइट नेपाल की पहली पीको सैटेलाइट है, जो कि नेपाल के लिए और हर एक नेपाली के लिए बहुत ही बड़ी गर्व की बात है। तो वीडियो में हम जानेंगे कि इसके डिटेल्स क्या है, ये सैटेलाइट कितनी बड़ी है, इसका वजन कितना है, इसमें कितना खर्चा हुआ है, साथ ही ये सैटेलाइट स्पेस में जाकर करेगी क्या नेपाल के लिए, और इसको किस किस लोगों ने मिलकर बनाया है। तो अगर आपको इस पहली नेपाली सैटेलाइट से थोड़ा भी गर्व महसूस होता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में इसके लिए कमेंट जरूर कीजिएगा, और इसके डेवलपर्स को प्रमोट जरूर कीजिएगा अपने प्यारे से कमेंट्स के साथ। साथ ही और डिटेल शुरू होने से पहले मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जो भी लोग यहां पर आते हैं उसमें 87% लोग चैनल की वीडियोस देखते हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो प्लीज आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकन जरूर दबा लें, ताकि ऐसे ही ओरिजिनल कंटेंट आप तक पहुंचते रहें और उनमें कोई भी डिले ना हो। साथ ही मुझसे और ज्यादा जुड़ने के लिए आप मेरे व्लॉग और गेमिंग चैनल पर सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। साथ ही आप मेरे सोशल अकाउंट्स पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं और मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब और फॉलो कर दो। तो चलिए बढ़ते हैं इसकी पूरी डिटेल रिपोर्ट पर दोस्तों। नेपाल की PQ-1, जिसे SANOSAT-1 के नाम से भी जाना जाता है, और इसको मूल रूप से बनाया है नेपाल की ओरियन स्पेस ने। ये सैटेलाइट फुल्ली तरीके से नेपाल में बनी है और इसकी लॉन्चिंग 13 जनवरी 2022 यानी कि अब से कुछ दिनों बाद ही होने वाली है। और इसकी लॉन्च होने वाली है एक खास रॉकेट से, जो कि है Falcon 9, जिसके बारे में आपने शायद सुना जरूर होगा, क्योंकि ये SpaceX कंपनी का एक रॉकेट है, जो कि इलॉन मस्क उनकी कंपनी है SpaceX, उसका रॉकेट है। और SpaceX की कंपनी द्वारा ही नेपाल की सैटेलाइट नेपाल PQ-1 यानी कि SANOSAT-1 को लॉन्च किया जाएगा, जो कि 13 जनवरी को होगा अगर कोई डिले नहीं होता है तो। और इसी के साथ नेपाल में फर्स्टली डिजाइन और बनी हुई सैटेलाइट स्पेस में जाएगी, जो कि हर एक नेपाली के लिए एक बहुत बड़े गर्व की बात है। SpaceX हमेशा से अपनी स्पेस टेक्नोलॉजीज के लिए जानी गई है, जिसमें उसकी अतरंगी टेक्नोलॉजीज, रॉकेट बूस्टर्स अपने आप लैंड होते दिखते हैं, जो काफी एडवांस टेक्नोलॉजी दिखती है। और अब उन्हीं रॉकेट के जरिए नेपाल की पहली मेड इन नेपाल SANOSAT-1 को स्पेस में भेजा जाएगा। दोस्तों इस सैटेलाइट को ओरियन स्पेस के साथ कोलैबोरेशन में बनाया गया है एमसैट नेपाल और एमसैट ईए के द्वारा। और आपको बता दें कि ओरियन स्पेस एक ऐसी संस्था है जो कि कई वर्कशॉप अरेंज करती है स्पेस प्रोग्राम्स के लिए और स्पेस टेक्नोलॉजीज का बढ़ावा देने के लिए नेपाल में। ओरियन स्पेस की स्थापना 2017 में की गई थी और इसका काम था नेपाल में स्पेस एजुकेशन को प्रमोट करना। ये नेपाली इंजीनियर्स और स्टूडेंट को स्पेस टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है। ओरियन स्पेस ने नेपाल के स्टूडेंट्स को कई प्रोजेक्ट में सपोर्ट किया है, जैसे कि कैनसैट MPP बेस सोलर चार्जर, जो कि क्यूबसैट्स के लिए थे, और ग्राउंड स्टेशंस डेवलपमेंट। इन सब चीजों पर नेपाली स्टूडेंट्स को टेक्नोलॉजीज डेमोन्स्ट्रेशन, साथ ही साथ इसकी पूरी वर्किंग ओरियन स्पेस प्रोवाइड करती है। तो चलिए जानते हैं नेपाल की SANOSAT-1 के बारे में और इसकी डिटेल्स के बारे में, जो कि एक पीको सैटेलाइट है। लेकिन उससे पहले जानते हैं कि एक पीको सैटेलाइट होता क्या है। दोस्तों पीको सैटेलाइट एक कैटेगरी है, यानी कि एक ग्रुप है सैटेलाइट्स का, जिसमें एक निर्धारित साइज के सैटेलाइट को पीको सैटेलाइट कहा जाता है। इनकी मैक्सिमम साइज होती है 5 cm × 5 cm × 5 cm और इनका मैक्सिमम वेट होता है 250 ग्राम और इसको कहा जाता है 1P। पीको सैट की सबसे खास बात यह होती है
कि ये बहुत कम खर्चीली होती हैं और प्राइवेट कंपनीज के लिए ये काफी ज्यादा अच्छी होती हैं। इस पर जो कुल खर्चा आता है वो करीबन आता है $50,000 का, जिसमें से $10,000 करीबन हार्डवेयर डेवलपमेंट में होता है, बाकी सब इंटीग्रेशन टेस्टिंग साथ ही साथ लॉन्चिंग का खर्चा है और ग्राउंड स्टेशन का भी खर्चा है। तो कुल मिलाकर इस पर पूरा खर्च जो आता है वो $50,000 का आएगा इसे बनाकर स्पेस तक पहुंचाने तक। तो चलिए अब जानते हैं नेपाल के सैनो सैट को। दोस्तों नेपाल में सानो का मतलब ही होता है छोटा, और अपने नाम की तरह नेपाल की पीको सैटेलाइट का साइज करीबन 5x5x5 सेंटीमीटर की कैटेगरी वाले एरिया में ही आता है, यानी कि 1 पी के एरिया में आता है, और इसका वेट करीबन 250 ग्राम ही है। सैनोसैट का जो मेन काम है वो है रेडिएशन को मेजर करना, क्योंकि इसमें एक सेंसर दिया गया है जो कि अल्फा बीटा और गामा रेडिएशंस को खोजेगा, और ये रेडिएशन आमतौर पर अंतरिक्ष से आते हैं। सूरज से भी ऐसे रेडिएशन देखने को मिलते हैं जब सूरज पर तूफान आता है, यानी कि सोलर फ्लेयर के दौरान। तो ये इन सब चीजों का डेटा इकट्ठा करके धरती पर भेजेगी। साथ ही ये सैटेलाइट एक डिजिटल रिपीटर का भी काम कर सकती है, यानी कि ग्राउंड पर कोई भी स्पेसिफिक डेटा या फिर कोई मैसेज को भेजा जा सकता है और इससे कहीं और पर भी ट्रांसमिट किया जा सकता है। साथ ही ये नेपाल के स्पेस एजुकेशन का एक प्रमुख हिस्सा है, जो स्टूडेंट और इंजीनियर को इनकरेज करेगी कि स्पेस टेक्नोलॉजी में आओ। इसीलिए सैटेलाइट को एक ओपन सोर्स रखा गया है, यानी कि कोई भी जो कि इंटरेस्टेड हो स्पेस टेक्नोलॉजीज में वो आकर इसके डिजाइन को देख सकता है, इसमें क्या मटेरियल लगा है वो देख सकता है और इसकी ए टू जेड सारी इन्फॉर्मेशन देख सकता है। तो जो भी इंटरेस्टेड आदमी हो ओरियन स्पेस पर जाकर इसके मटेरियल इसके कंपोनेंट्स को चेक कर सकता है। तो नेपाल की पहली मेड इन नेपाल सैटेलाइट सैनोसैट 1 का मेन उद्देश्य ही यही है कि नेपाल में सैटेलाइट्स को और आसानी से बनाया जाए, साथ ही साथ इसकी मैन्युफैक्चरिंग भी की जाए। इसमें ऐसे कंपोनेंट्स लगाए गए हैं जो कि आसानी से मिल सके, जिसे नेपाल में सैटेलाइट डिजाइन करना और मैन्युफैक्चर करना आसान हो। दोस्तों इसके और डिटेल्स की बात करें तो सैनोसैट 1 को पावर मिलती है इसको सोलर सेल से, जो कि एक छोटा सा सोलर सेल है जो कि 250 मिलीवॉट का है, और इसमें एक लिथियम आयन बैटरी लगी है जो कि 3.7 वोल्ट की है 1100 mAh की। साथ ही इस बैटरी की चार्जिंग होती है उसी सोलर सेल से। इसका ट्रांसमिशन UHF बैंड यानी कि अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी बैंड 20 dBm पे होता है, और डेटा रिसीव करने के लिए CW मॉर्सी कोड का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि एक ओपन सोर्स है और इसको दुनिया में कोई भी देख सकता है। इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें अल्मोनियम अलॉय का यूज किया गया है जो कि है AL6061T6, जो कि एक सस्ता मटेरियल है ऐसी पीको सैटेलाइट्स के लिए। इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें तो इसके PCB के लेयर्स जो हैं वो बनी है FR4 मटेरियल से। ऑनबोर्ड कंप्यूटर में दिया गया है ATMEGA328 माइक्रो कंट्रोलर, साथ साथ कुछ दिक्कत होने पर इसमें रीस्टार्ट प्रोग्राम भी डिजाइन किया गया है, और ये सभी डिटेल आपको साइट पर अवेलेबल है, क्योंकि एक ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है जिससे नेपाल के स्टूडेंट्स को मोटिवेट किया जाएगा कि ऐसे प्रोजेक्ट्स पर काम करें। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, साथ ही इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली तक शेयर जरूर कीजिए ताकि उन तक भी ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो पहुंचती रहे। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर दबा लें ताकि लेटेस्ट